नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान शिव सनातन संस्कृति में एक ऐसे भगवान माने गए हैं जो औपचारिकताओं में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, जिन्हें आजकल फॉर्मेलिटीज कहते हैं। देव हो या फिर असुर, वे सबके परमेश्वर हैं और इनकी तपस्या पूजन आदि कोई भी कर सकता है। यहाँ तक कि रावण ने भगवान शिव की तपस्या से ऐसी शक्ति अर्जित की थी कि संपूर्ण पृथ्वी उनके प्रताप से कांपने लगी थी। तो भगवान श्री राम ने शिव की कृपा से वानरों को भी कुशल योद्धा बना करके लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार से शिव की पूजा में प्रमुख भावना है। भगवान शिव भावना के अनुरूप फल देते हैं और उनकी पूजन विधि भी बहुत आसान है, क्योंकि वे त्रुटियों को भी क्षमा कर देते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव की पूजा से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही सरल उपाय जो आपके जीवन की विभिन्न बाधाओं को दूर कर देते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा कभी भी की जा सकती है, किसी भी दिन की जा सकती है, लेकिन प्रमुख तौर पर सोमवार व सावन के महीने में, पूरा ही महीना, और उसमें भी सावन के अंदर अगर सोमवार का दिन हो तो अत्यंत उत्तम माना जाता है। आप किसी भी दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने घर के समीप कोई भी मंदिर हो जहाँ शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित हो तो वहां पर जाएं, या फिर आप चाहें तो अपने घर में ही विधि विधान से शिव जी की पूजा कर सकते हैं। उत्तम होगा कि आप अपने घर के नजदीक किसी भी शिव मंदिर में जाएं। वहां सबसे पहले आप भगवान शिव के साथ माता पार्वती और नंदी को गंगा जल अर्पित करें व नंदी को दूध से स्नान भी कराएं। इसके बाद आप भगवान शिव पर, माता पार्वती और नंदी पर चंदन चावल का भोग लगाएं और भगवान शिव की मूर्ति पर भांग सुपारी बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। इस प्रकार से भोग लगा देने के बाद आखिर में शिव जी की विधि विधान से आरती भी करें और शिव जी की आरती अवश्य गाएं। मंदिर में जाकर के शिव जी को दूध और मिश्री चढ़ानी चाहिए। अगर मंदिर न जा सके तो शिव जी को अपने घर में ही ये चीज अर्पित कर देनी चाहिए। इससे जीवन में सदैव सुख शांति और भोग विलास का वरदान प्राप्त होता है। शिव जी को बेलपत्र सबसे ज्यादा प्रिय है, इसीलिए अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सोमवार को या फिर किसी भी दिन या फिर सावन के महीने में किसी भी दिन शिव शंकर को 11 बेलपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए और अपनी मान्यता यानी कि जो आपकी मन्नत है, मनोकामना है, उसे अवश्य बोलना चाहिए। इससे भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही आपको आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने का वरदान भी देते हैं। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र में इतनी शक्ति है दोस्तों कि जो कोई भी इसका जाप करता है उसे कई गुना होकर के फल प्राप्त होता है। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उस मौसम में आने वाला कोई भी मीठा फल अर्पित कर देते हैं तो आपकी मान्यताओं के मुताबिक आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। और साथ ही अगर आप कोई फल ना हो तो इमरती चढ़ा करके भी भगवान शिव को बहुत ही जल्द प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया भगवान शिव को प्रसन्न करके किस प्रकार से आप अपनी मनवांछित मनोकामनाओं को पूरा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय एक बार अवश्य लिख दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मैं इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें ओम नमः शिवाय।